हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के? डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज अपने पार्ट नंबर 20 इसका करने जा रहे हैं। तो आज के अपने जो टॉपिक है वो है पहला शंट, दूसरा है एमीटर और तीसरा है धारामापी का एमीटर में परिवर्तन। ठीक है, तो जो लास्ट वाला टॉपिक है धारामापी का एमीटर में परिवर्तन, ये आपका पेपर के लिए आज से भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले दोनों टॉपिक दोनों का बेस है, ठीक है, इस नीचे वाले टॉपिक का, और ऊपर वाले दोनों टॉपिक आपके प्रैक्टिकल के लिए आज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज अपने ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, पहले नंबर पर है शंट। ठीक है, अभी शंट क्या चीज होती है, तो देखो क्या है यहां पर, कि यदि किसी कारणवश धारामापी में उसकी क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित हो जाए, तो या तो धारामापी की कुंडली का जलने का खतरा रहता है या उसके संकेतक टूटने का खतरा रहता है। यानी कि अगर मान लो कि कोई गैल्वेनोमीटर आपके पास है, धारामापी है, तो उसके क्या है कि अगर मान लो आप, उसकी एक लिमिट होती है, अभी इतनी धारा को सहन कर सकता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा धारा प्रवाहित कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, या उसका जो पॉइंटर होता है, संकेतक का मतलब पॉइंटर जो सुई होती है उसकी, वो टूटने का खतरा रहता है। भी सुई मान लो 5 एम्पीयर की धारा से बिल्कुल सिरे पर लगती है, अब आपने 10 भेज दी, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से ज्यादा धारा आने पर वो क्या है, टूटने का खतरा रहता है उसका। ठीक है, तो क्या है कि अतः इन क्षतियों से बचाने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अल्प मान का प्रतिरोध तार या पत्ती जोड़ दी जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, शंट। यानी कि जो इस प्रकार की क्षति है उससे बचाने के लिए अपने गैल्वेनोमीटर को अपने क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में यहां पर एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं एस। ठीक है, इस प्रतिरोध को जोड़ने का फायदा क्या है, वो देखो क्या है कि शंट के प्रयोग से धारा का अधिकतम भाग शंट से गुजर जाता है, वह धारा का वह भाग ही धारामापी में से जाता है जिससे वह सुरक्षित रहे। भी अब क्या होगा कि मान लो ये जी यहां पर इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और एस शंट का है, तो ये एस शंट वाला प्रतिरोध इसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा कम लेते हैं अपने। ठीक है, तो कम लेंगे तो अब क्या होगा कि धारा जो यहां पर आ रही है, तो अब जो प्रतिरोध कम है उसमें से ज्यादा धारा गुजरेगी, और जो प्रतिरोध ज्यादा है उसमें से कम धारा गुजरेगी। और आपको पता है क्यों गुजरेगी, क्योंकि ओम का नियम कहता है अपने को कि इन दोनों का विभवांतर यहाँ पे समान है, तो विभवांतर को समान रखने के लिए V बराबर IR फॉर्मूले से, जहां धारा कम आर ज्यादा, आर कम धारा ज्यादा। ठीक है, तो ये होता है। तो चित्रानुसार परिपथ में आने वाली कुल धारा I है, तो IG धारा धारामापी में से जाए तो शंट में से IS बराबर I माइनस IG जाएगी। भी क्या हुआ कि आपकी जो धारा है वो इस गैल्वेनोमीटर में से तो IG पार्ट ही जा रहा है, पीछे से टोटल I आ रही है, उसमें से IG पार्ट यहाँ पे चला गया, तो यहां पर IS धारा जाएगी जिसका मान होगा I माइनस IG। मान लो ये 10 एम्पियर है, इसको ऐसे समझ सकते हो, एक इधर चलेगी तो यहां पर कितनी जाएगी, 9 जाएगी। समझ आई बात? तो ये IS बराबर I माइनस IG है, और शंट और धारामापी दोनों G, और ये S, G गैल्वेनोमीटर आपका और S यहाँ पे शंट है, तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, यहां पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों के सिरों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो अब अगर इसके सिरों का विभवांतर मैं कहूं, तो वो कहोगे कि सर धारा और इसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जी है और धारा आई जी है, तो जो इसका क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगी वो आई जी इंटू जी होगी, और वो किसके बराबर होगी, इस आई एस इंटू एस के बराबर होगी, क्योंकि जो आई एस इंटू एस, क्योंकि एस प्रतिरोध में से आई एस धारा जा रही है। ठीक है, तो इसी कारण मैं यहां पर ये लिखता हूं कि आई जी इंटू जी बराबर आई एस इंटू में एस। यहां पर क्या है कि जो जी तो है धारामापी कुंडली का प्रतिरोध, जो धारामापी की कुंडली है उसका प्रतिरोध है ये वाला, और एस यहाँ पे क्या है बच्चों, शंट प्रतिरोध का मान है। समझ आई बात? तो एस शंट प्रतिरोध का मान है। तो अब देखो अपने क्या है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और सॉल्व क्यों करते हैं, कौन सा फॉर्मूला निकालते हैं वो देखो, कि सॉल्व करने का एक तरीका है इनको, कि सबसे पहले तो आप क्या करो, इस आई जी को इधर आई एस के बटा में ले जाओ, और इस एस को क्या करो, इस जी के बटा में ले आओ। ठीक है, इतना काम करो एक बार आप। तो देखो आई एस बटा आई जी बराबर एस बटा जी बन गया आपके पास। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, एक जोड़ दे, दोनों तरफ अगर एक जोड़ते हैं तो इधर भी एक जोड़ेंगे, इधर भी एक जोड़ेंगे, इधर एलसीएम आपके पास आ जाएगा आई जी, और इधर आ जाएगा कैपिटल जी, तो आई एस प्लस आई जी बनेगा ये, और इधर एस प्लस जी बन जाएगा। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं
ऊपर वाले की, ये देखो आईएस प्लस आईजी। तो आप देखो यहां पर कि ये जो आई धारा थी यही दो भागों में बटी थी, आईजी और आईएस। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये आई के बराबर आएगा, तो तभी यहां पे लिखा है आईजी प्लस आईएस। तो ये आई के बराबर आ गई और ये नीचे आईजी है ही बराबर एस प्लस जी बटा में जी। तो आईजी का मान क्या है यहां पर कि एस अपॉन जी बटा जी प्लस एस इंटू आई। तो इसी के आधार पर क्या है आई जी का मान आपने निकाली, इसी सूत्र के आधार पर उचित प्रास के धारा मापी बनाई जाती हैं। अब इस लाइन को समझो और इस फॉर्मूले को समझो कि ये फॉर्मूला अपने को क्या बताता है। आई जी वो धारा है कि जो आपके गैल्वेनोमीटर में अधिकतम धारा जा सकती है जितनी, कि मान लो आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है यहां पर और उसमें गैल्वेनोमीटर की क्षमता है कि ये क्या है 1 एम्पियर तक की धारा को ही सहन कर सकता है। बस 1 एम्पियर से अगर धारा ज्यादा प्रवाहित कर दी तो ये गैल्वेनोमीटर खराब, मतलब या तो सुई टूट जाएगी इसकी या कुंडली इसकी जल जाएगी। ठीक है, तो अब अपने देखो क्या करते हैं कि मान लो आपके पास, आपको कह दें भी यहां पर एक अपने शंट लगा दिया, ठीक है, और पीछे से जो धारा यानी जिस परिपथ में अपने गैल्वेनोमीटर को लगा रहे हैं अप्रोक्सीमेट, यानी कि अगर मान लो अपने घरों में बात करें तो घरों में 4-5 एम्पियर तक की धारा आती है मैक्सिमम, मान लो 5 एम्पियर तक की धारा आ रही है, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ 1 एम्पियर धारा ही मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो अपने इस प्रकार का शंट यहां पर लगाते हैं कि जो आपके पास क्या हो इतने मान का शंट लगाते हैं कि ये इसमें से 4 एम्पियर धारा खींच ले, तो 4 एम्पियर यहां से चली जाए और 1 एम्पियर यहां से चली जाए। तो अपने उस तरीके का शंट प्रतिरोध यहां पर लगाते हैं। तो आई जी वो धारा है जो गैल्वेनोमीटर में अधिकतम विक्षेप के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो यहां पर 1 एम्पियर मान रहे हैं ना वो आई जी का ही मान है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अगर अपने पास मान लो शंट है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली है और टोटल कितनी धारा प्रवाहित करनी है, तो अपने इस ये सारी चीजें हो तो अपने आई जी का मान ज्ञात कर सकते हैं और आई जी अपने को ये बताएगा कि अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम कितनी धारा को सहन कर सकता है, ठीक है, कितनी धारा उसमें से मैक्सिमम आप प्रवाहित करवा सकते हो। समझ आई बात। फिर अपने तुलना कर लेंगे भाई, देखो ये वाला एस आपका, एस आपको प्रतिरोध पता ही होगा कितने ओम का है, आई जी का मान आ जाएगा आपके पास भी, आई जी आपके पास कितना है, तो अब इसमें से कितनी धारा जाएगी। मान लो आपके पास एस प्रतिरोध आपको पता है, आई जी का मान आपने 1 एम्पियर निकाल लिया, तो इस एस और आई जी की हेल्प से अपने मान, आई जो एस का मान है वो निकाल सकते हैं भी, 4 एम्पियर आएगा या 5 एम्पियर आएगा, उस हिसाब से भी अपने ये मान निकाल सकते हैं कि पीछे से कितनी धारा आए कि जो सहन कर सके, ये आई का मान कितना हो कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है जले ना, ठीक है। तो ये सारे सूत्रों से अपने वो निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से आई का मान निकालना चाहूं और आई जी आपको पता हो, भी मान लो आपको पता है भी ये गैल्वेनोमीटर है ये टोटल 1 एम्पियर या 2 एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है, मान लो कोई गैल्वेनोमीटर है वो 2 एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पता हो, शंट पता हो, तो आप मैक्सिमम धारा का मान लगा सकते हो भी, इतनी धारा ही इसमें अपने भेज सकते हैं बाहर से, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर इतनी ही धारा को लेता है, ठीक है। तो ये भी अपने ये लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से पता लगा सकते हैं कि अपने मैक्सिमम कितनी धारा दे सकते हैं गैल्वेनोमीटर को या धारा मापी को, ठीक है। तो ये इसी यानी फॉर्मूले के हिसाब से सूत्र के आधार पर उचित प्रास के, मतलब कि कितनी धारा सहन कर सकता है गैल्वेनोमीटर, उस आधार के ये धारा मापी या गैल्वेनोमीटर बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है वो आता है एमीटर और धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण, ठीक है। जो मैंने अलग अलग बनाया हुआ है ना टॉपिक आगे, वो यहाँ पर एक में ही लिख दिया मैंने, एमीटर और एमीटर धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले अपने एमीटर पढ़ते हैं भी, एमीटर आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो एमीटर क्या होता है सबसे पहले वो देखो इसकी परिभाषा एमीटर की, कि एमीटर एक पार्श्वपथित कीलकित कुंडली धारा मापी है। अब पार्श्वपथित तो आपको पता नहीं होगा भी क्या है, ठीक है, लेकिन यहां पर है शंटेड, तो शंट अभी पढ़ा है आपने। अब शंटेड का मतलब भी जो क्या है एमीटर है वो एक प्रकार का धारा मापी ही है, गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन वो कैसा है उसमें शंट लगा हुआ है, ठीक है। शंटेड पार्श्वपथित का मतलब उसमें शंट जो प्रतिरोध है वो लगा हुआ है, तो वो क्या है एक कीलकित कुंडली धारा मापी ही होता है सामान्यतः ये, जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा का मान मापने हेतु किया जाता है। अब धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर है उसका उसका उपयोग तो अपने धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं,
लेकिन जो धारा मापी सॉरी एमीटर का प्रयोग है, एमीटर को हिंदी के नाम एमीटर ही है इसका, कोई हिंदी अलग से नाम नहीं है। तो एमीटर का उपयोग अपने धारा का मान ज्ञात करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। भी है 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, कितनी धारा जो परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो उसका पता लगाने के लिए भी अपने क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन और पेपर में जो पूछी जाती है और एग्जामिनर के द्वारा जो पूछी जाती है लाइन, ये वाली कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है जिससे मापी जाने वाली संपूर्ण धारा इसमें से प्रवाहित हो सके। भी इसको एमीटर को आप हमेशा ही परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाओगे, हमेशा ही कोई भी परिपथ है वहां पर एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा, कभी भी समांतर क्रम में ये नहीं लगता। कि मान लो आप क्या है, क्यों नहीं लगता, वो कारण समझो कि जैसे मान लो प्रतिरोध है, ठीक है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया और अब आपने यहां पर एक बार तो क्या किया, एमीटर को ऐसे लगा दिया, ठीक है, एमीटर को ऐसे लगा दिया। और एक दूसरी स्थिति भी मैं ले लेता हूं यहां पर, कि मान लो ये दूसरी स्थिति है, इसमें यही प्रतिरोध लगा हुआ है और इस प्रतिरोध के सिरों पर आपने क्या लगा दिया, जो एमीटर है वो लगा दिया, ये एमीटर यहां पर है, यहां लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि दोनों स्थितियों में जैसे मान लो यहां से 10 एम्पियर की धारा चलती है, तो वो 10 एम्पियर की धारा इस प्रतिरोध में भी उतनी जाएगी, 10 जाएगी, और इस एमीटर में भी एमीटर से कितनी जाएगी, 10 एम्पियर जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि 10 एम्पियर की धारा चली, तो अब क्या होगा कि एक प्रतिरोध तो ये है और कुछ प्रतिरोध आपके एमीटर का भी होता है, ठीक है। एमीटर का क्या होता है, खुद का प्रतिरोध भी होता है। डायग्राम एक बार दोबारा बना देता हूं मैं यहां पर आपको, नीचे समझ नहीं आ रहा था इतना, देखो ये प्रतिरोध है यहां पर और ये यहां पर एमीटर ऐसे लगा हुआ है। तो एक स्थिति पहले वाली तो समझ ली भी, जितना करंट पीछे से आ रहा है बैटरी से उतना ही करंट एमीटर में से जाएगा जब एमीटर आपका श्रेणी क्रम है। अब समांतर में क्या होगा कि मान लो ये 10 एम्पियर है, ठीक है, करंट आ रहा है, तो यहां पर जो आपका करंट है वो दो भागों में बंट जाएगा। अब हो सकता है यहां पर 2 एम्पियर जाए, यहां पर 8 एम्पियर आ जाए, यहां पर 3 एम्पियर जाए, यहां पर 7 आ जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में जो आपका एमीटर है इसमें से 10 एम्पियर करंट कभी नहीं गुजर सकता, अगर ये वाला यहां पर प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। जितना टाइम ऊपर वाला प्रतिरोध लगा है उतना टाइम 10 एम्पियर करंट यहां से नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ करंट आपका नीचे प्रतिरोध में से जाएगा ही जाएगा। तो अब जाएगा तो यहां एमीटर में जितना आएगा उतना ये मापेगा, तो पीछे से तो 10 एम्पियर आ रहा है लेकिन एमीटर में से 8 जा रहा है, तो वो 8 ही बताएगा अपने को। तो इस कारण क्या है कि एमीटर में से सारा करंट गुजरे, जितना परिपथ में प्रवाहित हो रहा है उतना गुजरे, तो तभी अपने वहां पर क्या लगाते हैं, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि सारी धारा उसमें से गुजर सके। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। आदर्श एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है, वो अपने में से जाने वाली धारा को बिल्कुल नहीं रोकता, मतलब जितनी धारा पीछे से आ रही है उसको सारी को वो आराम से जाने देता है। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ऐसा नहीं होता है, एमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है क्योंकि तारें तो थोड़ी बहुत लगी होगी और तार का प्रतिरोध हो गई होगा, तो एमीटर खुद प्रतिरोध होता है खुद का। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि आदर्श एमीटर का कितना होता है, तो वो शून्य होता है, लेकिन आदर्श एमीटर जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में उचित प्रतिरोध, उचित मान का अल्प प्रतिरोध शंट लगाया जाता है। अब जो ऊपर वाली स्थिति आपने पढ़ी थी ना शंट वाली, ये एमीटर की ही स्थिति है। कि सामान्य स्थिति में मान लो धारामापी आपके पास, लेकिन उस धारामापी के आप समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हो, तो वो धारामापी एक एमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। बस फर्क क्या है कि उसमें थोड़ा सा अपने को एक तो पॉइंटर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। भी आपको, आप गैल्वेनोमीटर अगर लैब में गए हो आप, तो गैल्वेनोमीटर आप देखोगे हमेशा यहां पर 0 होती है, गैल्वेनोमीटर के यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, इस तरह से इधर भी 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है सामान्य स्थिति में यहाँ बिल्कुल सीध में रहती है, अगर तो इधर जाए, या ये सुई इधर जा सकती है या इधर जा सकती है, मतलब दो दिशाओं में ये वाली सुई गति कर सकती है। अब एमीटर जो आपने अगर देखा हो, तो एमीटर में हमेशा यहां से 0 स्टार्ट होता है, 0, फिर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो एमीटर में हमेशा बाईं तरफ, ये बायां है ना, बाईं तरफ सुई रहती है हमेशा सामान्य स्थिति में, और अगर मान लो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो सुई ऐसे हिल जाती है, ठीक है।
तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क क्या है? गैल्वेनोमीटर में सामान्यता जो शंट है वो नहीं लगा होता, लेकिन कई बार लगा भी हो तो वो क्या है, एमीटर उसको इतनी जल्दी अपने नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें पॉइंटर को भी अपने दोबारा से सेट करना पड़ता है, एक बाएं सिरे से पॉइंटर स्टार्ट करके, और स्केल भी इसमें नया लगता है। ठीक है, दूसरी ये यहां पर चीज है। बाकी इसमें अंदर की बनावट सेम ही होती है, धारा मापी और एमीटर यानी गैल्वेनोमीटर और एमीटर अंदर से सेम ही होते हैं। बस इसमें क्या है कि चित्रानुसार एक कीलकित कुंडली धारा मापी है। ठीक है, ये आप देख लो कि कीलकित कुंडली धारा मापी है ये सारा, लेकिन इस कीलकित कुंडली धारा मापी के क्या है, संयोजक पेचों T1 और T2 के मध्य अल्पमान का प्रतिरोध शंट ऐसा लगाया जाता है, ये शंट लगा देते हैं, बस इतना ही काम करना है, और ऊपर पॉइंटर चेंज कर देना बस। ठीक है, पॉइंटर चेंज कर देना है और जो आपको क्या है शंट लगा देना है, इससे ये क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ही एमीटर है, मतलब गंगाधारी शक्तिमान है वही चीज है यहाँ पर। तो यदि एमीटर की और शंट प्रतिरोध का मान एमीटर की परास आई पर निर्भर करता है, भी इस शंट प्रतिरोध जो आपने लगाया है अब ये कितने मान का लें, ये अपने इस चीज पर निर्भर करता है कि आपको जो धारा मापी है वो कितनी धारा मापने वाला बनाना है। ठीक है, कि अगर मान लो कि आपका जो ये धारा मापी है ऊपर वाला, मान लो यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, या एमीटर आप कह रहे हो, तो यहां पर अपने शंट लगा दिया। अब ये मान लो कि 10% धारा लेता है यहां पर, ठीक है, और 90% धारा आपकी यहाँ इसमें से जाती है। तो अगर मान लो कि यहां पर आपको मैक्सिमम 10 एम्पियर की धारा आ रही है, उसमें से 1 एम्पियर इधर जा रही है और 9 एम्पियर इधर जा रही है, तो अपने को ये वाला एस जो लेना पड़ेगा वो इस 9 एम्पियर के हिसाब से लेना पड़ेगा, भी इतनी धारा को ये भी झेल सके। ठीक है ना, भी ऐसे ना हो भी ये जल जाए, झेल सके 9 एम्पियर धारा को भी, और ऊपर 1 एम्पियर चली जाएगी। इसी तरह अगर मान लो 20 एम्पियर धारा यहाँ से आ रही है, तो 2 इधर चली जाएगी और 18 इधर आ जाएगी। अब 18 एम्पियर को झेलने वाला ये होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी आपके परिपथ में टोटल कितनी धारा है, कितनी धारा आपके यानी जो पीछे आपके पास सप्लाई में आ रही है वो कितनी है, उस चीज पर भी शंट प्रतिरोध एस का मान निर्भर करता है। यदि एमीटर की परास आई व धारा मापी से जाने वाली धारा आई जी है, जिस पर यह पूर्ण विक्षेप देता है। अब इस चीज को समझो, देखो न्यूमेरिकल में यही चीज सबसे ज्यादा मेन है कि एमीटर की परास, ठीक है, एमीटर की परास। अब एक चीज आप ये समझो यहां पर सबसे यानी जो मेन चीज है, बाकी चीजें बाद में समझते हैं, ये देखो चलो खाली जगह मिल गई, आपको वर्किंग थोड़ी सी बताता हूं मैं एमीटर की, कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो ये तार है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना, ऊपर वाली थ्योरी अपने बाद में पढ़ते हैं। यहां से 20 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है, 20 एम्पियर की धारा आ रही है, और ये एक एमीटर है। एमीटर कैसे है भाई, ये वाला यहां पर क्या है, एमीटर बन गया ये कंप्लीट। अब क्या है, अगर मैं बात करूं इस पूरे की यानी इस गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों की, तो ये पूरा क्या है, अब एक एमीटर है। ठीक है ना, इसको एमीटर कहेंगे अपने। तो अब देखो क्या होगा कि मान लो पीछे से 20 एम्पियर आ रही है, तो अब आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें से मैक्सिमम 2 एम्पियर जा सकती है बस, इस धारा का 10% यानी 2 एम्पियर तक ये धारा सहन कर सकता है। तो ये गैल्वेनोमीटर तो 2 एम्पियर के लिए विक्षेप देगा, क्योंकि बाकी जो बची 18 एम्पियर धारा है वो इस शंट में से गुजर रही है, लेकिन अपने को मापनी तो 20 है, मापनी तो 20 है, पीछे से तो 20 आ रही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर अपना 2 एम्पियर ही ले रहा है, तो अपने इस 20 को कैसे मापे, इसी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जो 2 माप रहा है उससे 20 को कैसे मापे। ठीक है, तो अपने देखो क्या करते हैं यहां पर, कि इसका जो स्केल बनाते हैं, कि मान लो ये 2 एम्पियर पर जो इसकी सुई है वो बिल्कुल मान लो ये 0 है, ठीक है, और ये बिल्कुल इसका एंड है, ये 0 यानी प्रारंभिक बिंदु है इसका और ये अंतिम है, तो इसकी सुई मैक्सिमम यहां पर जाती है वो कितनी धारा से चली जाती है, 2 एम्पियर धारा से चली जाती है, समझ आई बात, 2 एम्पियर धारा से बिल्कुल सिरे लग जाती है ये वाली सुई। तो अपने क्या करेंगे कि जिससे सिरे लग जाए वहां पर अपने 2 ना लिख के 20 लिख देंगे, भी लिखने में क्या जाता है, ठीक है ना, लिखने में क्या जाता है, 20 लिख दो वहां पर और यहाँ 0 लिख दो, और बीच वाले जो पार्ट हैं इनको 5 5 में बांट दो, भी ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, और ये लास्ट में क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है, अब इसमें से जा 2 एम्पियर की धारा ही रही है, लेकिन स्केल पे अपने इस 2 एम्पियर को क्या लिख रहे हैं, 20 एम्पियर लिख रहे हैं, तो स्केल अपना 20 एम्पियर मापने लग जाता है।
अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, यहां पर 20 की जगह आप 10 एम्पीयर धारा ले रहे हो, ठीक है, 10 एम्पीयर धारा ले रहे हो, तो इस 10 एम्पीयर का कितना भाग यहां पर जाएगा? 1 एम्पीयर जाएगा। अब जा 1 एम्पीयर रही है और बाकी की 9 एम्पीयर यहां से नीचे से जा रही है, समझ आई बात? तो अब इस 1 एम्पीयर के लिए, ये देखो गैल्वेनोमीटर 2 एम्पीयर के लिए पूरा विक्षेप दे देता है, तो 1 एम्पीयर के लिए यहां बिल्कुल आधे में आके रुक जाएगा, और आधे में अपने क्या लिखा हुआ है, 10। तो क्या 1 एम्पीयर धारा से इसने कितनी माप दी? 10 माप दी। भी अपने स्केल को इस हिसाब से सेट कर लेते हैं भी, जैसे आप जो ग्राफ ग्राफ जब बनाते हो ना, ग्राफ में स्केल सेट करते हो ना आप, भी माना एक डब्बा या 1 सेंटीमीटर बराबर इतनी इकाई है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है, तो बिल्कुल वही हिसाब यहाँ पे अपने स्केल सेट कर लेते हैं इसका, ठीक है। भी 2 एम्पियर को 20 लिख दिया आपने, अब मान लो 15 एम्पियर आ रही है, तो और यहां पर ये मैक्सिमम कितनी सहेगा? 1.5 एम्पियर सहेगा। एक्चुअल धारा जो आपके गैल्वेनोमीटर है या एमीटर है, उसमें से कितनी जा रही थी? 1.5 ही जा रही थी, लेकिन उसने मापी कितनी? 15। 1.5 को 15 लिख दिया, बस अपने स्केल चेंज कर दिया। तो ये इसमें खेल होता है सारा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से ये मापता है भी, हो अपने को ऐसा लगता है भी ये मापेगा कैसे? भी ये देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा यहां पर 2 भागों में बंट गई है आपकी, लेकिन फिर भी ये मान लो यहाँ पर 1 एम्पियर ही आ रही है और 9 एम्पियर यहाँ पे नीचे जा रही है, फिर भी ये 10 एम्पियर कैसे मापेगा? तो सारा स्केल का खेल है जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। मुझे लगता है आपको मजा आया होगा ये सुन के। अब नेक्स्ट कि यदि एमीटर की परास आई है और धारामापी से जाने वाली धारा आईजी है, जिस पर ये पूर्ण विक्षेप मतलब सिरे तक विक्षेप देता है, तो इस परिपथ के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही चीज हो जाएगी बच्चों की। मान लो आपने यहां पर धारा लगा रखी है जो, तो धारा 2 भागों में बटेगी, कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर जाएगी। मान लो इधर आईजी जा रही है जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, और इस कुंडली का प्रतिरोध आपके पास जी है, तो इस शंट का प्रतिरोध IS है, तो यहां से IS जाएगी, और उस IS का मान क्या होगा? पीछे से मान लो I आ रही है, तो I-IG के बराबर होगा। तो IG×G बराबर I-IG×S, ऊपर वाला सूत्र ही है ये वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो यहां से आप S का मान निकाल सकते हो भी, आपको मान लो कि इतना पता है 20 एम्पियर का मुझे गैल्वेनोमीटर बनाना है, मतलब 20 एम्पियर का एमीटर बनाना है, और जो अपना गैल्वेनोमीटर है वो बस 2 एम्पियर की धारा ही सहन कर सकता है, तो उससे आप यहाँ एस का मान निकाल सकते हो, ठीक है। भी आपके पास क्या हो कि टोटल 20 एम्पियर की धारा, यानी आई का मान 20 है, और आपको पता है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो तो बस 2 एम्पियर की धारा ही सहन कर सकता है, तो आई जी का मान 2 हो जाएगा, और जी यहाँ पे कैपिटल जी जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, उससे अपने शंट का मान निकाल सकते हैं। भी इतना शंट लगाना पड़ेगा अगर आपको कोई ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाना है, तो समझ आई बात? तो अतः S का मान धारा I के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब S का मान इस I धारा के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि अगर आपको ज्यादा धारा सहन करने वाला गैल्वेनोमीटर बनाना है, तो आपको S का मान उतना ही कम रखना पड़ेगा, तभी उसमें से ज्यादा धारा जाएगी, ठीक है। पुनः समीकरण 1 से अगर अपने आई जी का मान निकाले, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना कि यहां पर IG×G बराबर IS×IGS, ऊपर वाली समीकरण में ये गुणा कर दिया अंदर ब्रैकेट का, IG वालों को एक साइड ले और कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास IG का मान आ जाएगा। ये IG का मान बुक में गलत दिया हुआ है, यहां पर उन्होंने I-IS लगा रखा है ऊपर, तो वो I-IS तो किसी हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यह धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा है। अब एक है एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, भी एमीटर का टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो आप, ये अब पूरा एमीटर है, तो इस एमीटर में 2 प्रतिरोध हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर का जी और एक ये शंट प्रतिरोध एस, और दोनों ही किस में जुड़े हुए हैं? आपके पास समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस एमीटर का पूरे ये पूरा एमीटर, अब अगर इस तार को हटा दोगे तो ये गैल्वेनोमीटर है, और शंट तार लगा दोगे तो ये एमीटर है, इस पूरे को एमीटर अपने बोलेंगे। तो अब इसका टोटल प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध जी और एस का ऊपर तो दोनों का गुणा और नीचे दोनों का जोड़, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एस है वो आपका ये, परंतु यहां पर अपने मान लेते हैं कि एस अगर जी से बहुत छोटा है, तो जी प्लस एस लगभग जी के बराबर होगा, और आर ए बराबर जी से जी कैंसिल, तो यहाँ एस बचेगा। तो अपने क्या कह सकते हैं कि एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध शंट के समान होता है। सामान्यतः क्या होता है, एमीटर का जो खुद का प्रतिरोध होता है वो लगभग शंट प्रतिरोध के समान ही होता है।
और एमीटर में नोट लगा के लिखा हुआ है कि शून्य धारामापी की तरह मध्य में नया होकर स्केल के बाईं ओर होता है। ये भी आपको मैंने अभी बता दिया, इसमें जो सुई होगी वो ऐसे होगी। अगर एमीटर आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को शेयर करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। वोल्ट मीटर वाला जो टॉपिक है उसमें, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसी तरीके का है। और फिर आपका जो गैल्वेनोमीटर है, ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका एंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।